टू योर साइंस क्लास चैप्टर 4 केमिकल एंड केमिकल सब्सटेंस एंड योर टॉपिक इज केमिकल सब्सटेंस. इन द प्रीवियस क्लासेस वी वर स्टडीज द एटम्स मॉलिक्यूल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्सचर प्योर सब्सटेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल. इन दिस चैप्टर we will repeat same things but in a large variations. So your first topic is what is chemical substance. Chemical substance is a consist of molecules or atoms, means all things are found in this world. They are matter, they are a substance, and it consists of molecules or atoms. What is a molecules? Molecules is a consist of two or more atoms. And what is a atoms? Atoms is a smallest particle of the molecules or a substance. Chemical substance जो होते हैं वो molecules या atoms से मिलकर के बने हुए होते हैं. और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स जो है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम अपनी नेट आंखों से देख नहीं सकते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, वो एक दूसरे क्या करके जुड़ते हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल बनता है. इन द बेसिस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस वी आर डिवाइडेड इन टू टाइप. First is elements, second is compound. Elements is a consist of only one type of atoms. Suppose hydrogen is a element. Hydrogen H2 is an element. If this hydrogen is consist of only one type of atoms, only one type of atoms. Oxygen consists of only one type of atoms is called the elements. जब elements हैं क्या? Elements वो होते हैं जो सिर्फ same type के atoms से मिलकर के बने होते हैं. अगर आप gold को लेते हैं example पे, तो gold क्या है? गोल्ड पे सिर्फ जो एटम्स पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? वो सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं. आप उसको कितना भी ब्रेक करिए, गोल्ड को कितना भी ब्रेक करिए, कितना भी उसको तोड़िए, लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जो उसके एटम्स निकलेंगे, वो क्या निकलेंगे? वो गोल्ड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे और गोल्ड के ही एटम्स होंगे. ऐसे कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक टाइप के एटम्स मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं. फिर आते हैं इसके बाद कंपाउंड. कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ अ व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर जॉइंड टू ईच अदर. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आकर के एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कंपाउंड्स कहलाते हैं. अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो केमिकली कंबाइन होते हैं आकर के. मतलब एलिमेंट्स में सिर्फ आकर के एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते थे, लेकिन कंपाउंड्स में क्या है? कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं? वो केमिकली कंबाइन होते हैं. मतलब जो उनका केमिकल रिएक्शन भी उसके साथ हो जाता है. एग्जांपल पे लेते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. H2O वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है. यहां पे क्या है? यहां पे जो ऑक्सीजन एलिमेंट्स अलग है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स अलग है. अब ये दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं और ये दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं. पर कंबाइन कैसे हो रहे हैं?
केमिकली कंबाइन हो रहे, मतलब इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स में, और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन होता है वाटर का। इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के
मॉलिक्यूल्स एटम्स अगर कंबाइन तो करते हैं पर उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। आयरन फिल्म्स होते हैं, आयरन फिल्म्स को सल्फर पे अगर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि सल्फर की अपनी अलग प्रॉपर्टी है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म पे है और आयरन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो सल्फर क्या है कि आयरन से अगर सल्फर को हमें क्या करना है, सीव करना है, उसको अलग करना है, उसको सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सल्फर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दोनों चीज मिक्सर ही, दोनों क्या है, दोनों मिक्सर है पर दोनों की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे केमिकल सिंबल्स का, कैसे केमिकल सिंबल्स की क्या हिस्ट्री थी और आगे उसको कैसे मॉडिफाइड किया साइंटिस्ट ने और हमारे लिए कितना इजी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे केमिकल सिंबल्स का।